ऐसा लड़का मिल जाए जो मुझे धोखा दे दे, इससे बेटर है कि मैं अपने आप से ही शादी कर लेती हूँ। आई नेवर वॉन्ट अ मैन बिकॉज इंसानियत ही नहीं होती आदमियों में। मुझे ऐसे बोला कि 3 महीने तुम मेरे साथ घूमो फिरो, उसके बाद ही मैं आपको ब्रेक दूंगा। गिव अ हग टू समवन वाज अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। इतनी तकलीफों से गुजरे जहाँ पे कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार पहला रिलेशन इंडिविजुअल को बोली लड़के भरोसेमंद नहीं है, ये दूसरे की शादी है, दूसरे को खुश नहीं किया तो सीरियल से निकाल दिया। कार मैं तो देखता हूँ पिछले 15 सालों से टीवी इंडस्ट्री का चेहरा रही कनिष्का सोनी ने हाल ही में खुद को शादी कर ली है बिना पति के मांग भरी और मंगलसूत्र पहने। कनिष्का की तस्वीरें सामने आते ही कई लोग इस बोल्ड फैसले की सराहना कर रहे हैं, जो कुछ उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। कनिष्का इन दिनों US में है। कनिष्का अपने इस फैसले के पीछे की दर्दनाक कहानी साझा की है। कनिष्का कैरियर की शुरुआत में एब्यूसिव रिलेशन में रही थी, जिससे उनका पुरुषों से भरोसा उठ गया। इतना ही नहीं, कनिष्का को कई बार कास्टिंग काउच करने वाले प्रोड्यूसर्स का भी सामना करना पड़ा, जिसका उन पर बुरा असर पड़ा। आइए जानते हैं कनिष्का की कहानी उन्हीं की जुबानी। जब रिपोर्टर ने कनिष्का से पूछा खुद से शादी करने का फैसला कैसे लिया, तब कनिष्का कहती हैं, मैं जब मुंबई में भी थी, आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन इवन फिल्म इंडस्ट्री एंड देन आई वेंट टू दुबई एंड एवरीवेयर व्हेन आई मेट द मेल सेगमेंट। जैसे हमारे मुंबई में भी मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और हमारे जितने भी, मतलब मैं सिंगर भी हूँ तो मैं म्यूजिक कंपोजर, सो ऐसे जब मैं इन लोगों से देखती हूँ और मिलती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शादी पर से भरोसा मेरा टूट चुका था। और क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो आदमी होते हैं वो अपनी फैमिली के सामने देयर इज अनदर फेस ऑफ देम और इन फ्रंट ऑफ यंग गर्ल्स दे लुक एंड देन They have a different perspective, you know? अगर फैमिली होगी, घर होगा तो भी वो हमारे पीछे आएंगे। और मतलब मैंने जगह जगह पे इतना ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, मुझे लगा कि ऐसी फैमिली बना के मैं खुश नहीं रह सकती। बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई लाइफ में, मुझे समझ में आया कि लड़के ना अपनी बात पर टिकते नहीं है। जैसे आज और हमेशा हम कहते हैं कि प्यार आंखों से होता है, आंखों से होता है। ये लड़कियां ही बिलीव करती है आंखों से प्यार होता है। उनका प्यार पता नहीं कहाँ से होता है। आंखों से 2 दिन 3 दिन बात होती है, आंखों से दे शो दिस ओके, यू नो। देन आफ्टर अ पॉइंट वेन एवर इट कम्स कि फैमिली से बात कराओ, पेरेंट्स से जो भी है, देन सडनली उनका मूड पूरा, दिमाग पूरा घूम जाता है। जैसे पेरेंट्स, माइंड चेंज हो जाता है। और अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मुझे कोई और ऐसा लड़का मिल जाए जो मुझे धोखा दे दे, इससे बेटर है कि मैं अपने आप से ही शादी कर लेती हूँ। एंड ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं हमेशा अकेले बहुत खुश रही हूँ। जब रिपोर्टर ने कनिष्का से पूछा कि क्या कभी आपका दिल टूटा है जिससे आपने ये फैसला लिया, तब कनिष्का कहती हैं, मैंने एक्चुअली, मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई केम टू मुंबई, बहुत लड़के मुझे प्रपोज करते थे। मैंने बहुत लड़कों को रिजेक्ट किया है इन माई लाइफ। आई कैन से एटलीस्ट 1200 to 1300 गाइज आई हैव रिजेक्टेड एट दैट टाइम। But one guy who was also a big actor, he proposed me directly for marriage. But his face turned after, let's say 1 or 2 months. उसका जो असली चेहरा है वो सामने आया था, और वो बहुत ही ज़्यादा violent, और इतना ज़्यादा violent था कि मतलब हर 15 मिनट में उसको गुस्सा आता था, हर 15 मिनट में। और हर चीज़ें तोड़ देना, और कहते ना जिस चीज पे लाइट चली गई हो तो भी गुस्सा करना, लाइट चली गई, अब लाइट चली गई है तो मारना पीटना। इट टुक मी 5 years टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आज इतना दिल खोल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि कोई लड़का मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि बिकॉज व्हेन आई वेंट टू मुंबई देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क फॉर गिव एंड टेक फॉर मेन लीड आल्सो इन टू टीवी सीरियल्स। मेरा जैसे कहते हैं ना, आत्मा निकल कैसे आ गई हो हाथ में, कि मैं शौक में चली जाती थी बार बार। रात में वो पूरी रात में शौक में रहती थी कि यार कोई इंसान ऐसे बोल सकता। तो बड़ी मूवीज की बात करें, जो A ग्रेड मूवीज जिसकी जो मुझे मिलती थी, मतलब जिसकी वजह से मैं प्रियंका या कंगना बन सकती थी, उस लेवल की मूवीज के लिए तो मैं जाती थी। तो मुझे बोलते, मुझे तुम्हारा स्टमक देखना है। मैंने और उस जमाने में स्टमक दिखाना वाज ऑल्सो बिग डील। उस जमाने में उस टाइम पे लाइक 20 years अगो 2008 में वो अभी का जो फैशन है वो नहीं आया था, जिसमें आप अभी तो ऐसी फैशन ही हो गई है, बट दैट टाइम इट वाज अ बिग थिंग। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे मूवी में लेंगे तब मैं स्टमक दिखाऊंगी, आप मुझे अभी ऐसे बोलेंगे तो मुझे नहीं दिखाना। तो बोला अगर तुम मुझे अभी फिगर नहीं दिखा सकते हो तो मूवी में कैसे दिखाओगी। जो भी जिस तरीके के आदमी मैंने देखे हैं, मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखा नहीं अभी तक जो सच में मेरे इमोशंस को पहचाने और मुझे एज अ ह्यूमन और जो मेरे अंदर क्वालिटी है उसे पहचाने। मैंने हमेशा आदमियों में जो भी एक ही चीज देखी है, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द आउटर ब्यूटी, आउटर जो भी है, और मुझे ऐसा नहीं मिला है। ऑनेस्टली ऐसे आदमी होंगे, मैं हर आदमी को ये नहीं कहना चाहूंगी, या हो सकता है कि मैंने जो मेरी चॉइस है उसमें गलती हुई हो, या मैंने ऐसे ही क्या बोलूं ऐसे ही लोगों को पसंद किया हो जो वर्थ ना हो। मुझे इस दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना जो मेरे ही पेट से बाहर आएगा और वो इतने तकलीफें झेलेगा, ऐसा कभी मुझे कमी महसूस हुई तो मैं एडॉप्ट करूंगी। बिकॉज जो ऑलरेडी यहाँ पर है, इस दुनिया में है, अगर मेरी कैपेसिटी हुई फाइनेंशियली तो मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। ट्रोलर्स के लिए जो आपने पोस्ट किया था, 2 लाइन प्लीज व्यूअर्स के लिए। मुझे सोना महापात्रा का वो गाना बहुत पसंद है, मैं अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया।